नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जैमलवाला गांव के समीप मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 32 वर्षीय युवक की हुई मौत। पठानकोट रोड पर स्थित गांव बुलंदपुर में एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। अमृतसर देहात पुलिस ने घलूघारा दिवस के मद्देनजर विभिन्न इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। और अब हलचल विस्तार से। मलावाला थाना के अंतर्गत जैमलवाला गांव के समीप मिट्टी से लदी ट्रॉली की चपेट में आने से 32 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक दविंदर सिंह निवासी बगेवाला अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर अपने गांव बगेवाला से मलावाला की तरफ आ रहा था। जब वो जैमलवाला गांव के पास पहुंचा तो मलावाला की तरफ से आ रही मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक दो बच्चों का पिता था। फिलहाल मलावाला पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली व शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। ਦਵਿੰਦਰ ਸੀ ਪਰਚਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੁੱਕ ਚਲੋ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੰਗ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੁੜੀ ਪਈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੌਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਗੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ पठानकोट रोड पर स्थित गांव बुलंदपुर में गत रात्रि पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दौरान फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे आग पर काबू नहीं पा सके, जिसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस आगजनी के कारण फैक्ट्री मालिक का लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। जालंधर से हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर सब साढ़े दस से फोन आया कि गदईपुर जीएस इंडस्ट्री के बीच आग लगी है पेंट दी। असी तुरंत असी गड्डी अपनी एक दादा कलोनी वाली कढ़ के उन्होंने कॉल मारिया भी गड्डी फटाफट लै जाओ। उस तो बाद एक गड्डी असी दमोरिए पुल से कढ़ाई, एक गड्डी हेडक्वार्टर तो कढ़ाई, तीन गड्डिया लगातार अगले रवाना हो गई। अग ते जाके अही देखिया मौके पर भी अग ज्यादा सी, उतो टैंकर मंगाए, दो गड्डिया होर मंगाइया। साडिया लगभग 15 गड्डिया लग गई पानी दिया ते अग ते असी काबू पा लिया। अग बुझा के ते सानू 15-20 मिनट ही होए आए। सतगुरु कबीर जी महाराज के 625वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष में सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर जालंधर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुंदर झांकियां सजाई गई, जो कि सबके आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर शोभा यात्रा में भाग लेकर सतगुरु कबीर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त। इस अवसर पर भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागती मंच लगाकर और लंगर लगाकर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। सतगुरु कबीर महाराज जी ने
ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ੋ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾਭਵੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਚਾਰਿਆ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮਾਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਉਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਮੁਰਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹਾ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜੈ ਕਬੀਰ ਜੈ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜੈ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ
शिक्षा का प्रचार करने वास्ते संगत सारे नगर में जा रही है। असी सारे साथी होकर नाल जा रहे हैं। मैं आज के दिन से सारे भगत कबीर जी के दिन से लख लख बधाई पेश कर। अज सतगुरु कबीर साहब जी का 625वां प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा पूरे संसार में मनाया जा रहा, उसके उपलक्ष्य के अज जलंधर शहर भार्गव नगर के जो मुख्य मंदिर है सतगुरु कबीर साहब का, उत्तर एक विशाल शोभा यात्रा कभी जा रही है। मैं अपने वालों अपनी संस्था एक नूर वेलफेयर सोसायटी वालों और विजय सांकला फैन क्लब वालों आज के शुभ दिहाड़े से बधाई देना और सतगुरु कबीर साहब के चरणों तक अरदास करदा कि जिस मनोकामना नाल ये भगत सेवा कर रहा है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब इन्हां दी मनोकामना पूर्ण करन, समुचा कबीर समाज जिहड़ा वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। जय कबीर, धन कबीर। धन धन सतगुरु कबीर साहब जी दे 625वें प्रकाश उत्सव ते अज मैं पूरे देशवासियों नूं पंजाब वासियों नूं बधाई दिना कि धन धन सतगुरु कबीर साहब जी ने अपने टाइम उस वेले जिस वेले ऊंच नीच का बहुत सारा बोलोबाल सी, समानता की गल की, सारयां नूं एक रखण की गल की, और धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच उन्हां दी बहुत सारी जिहड़ी बाणी है वह विराजमान है। अज पूरी दुनिया के विच धन धन सतगुरु कबीर साहब महाराज जी की नाम लेवा जिहड़ी संगत है वह ये दिहाड़ा बड़े हर्षोल्लास दे नाल बड़ी पवित्रता दे नाल मनाया जा रहा। इस मौके पर मैं सारिया संगतां नूं लख लख बधाई दिना, लख लख बधाई। सब तो पहलो अज संगत नूं बहुत बहुत मुबारकबाद कि कबीर महाराज का 625वां दिहाड़ा जिहड़ा मना रहे आप। अज तुसी देखो कि जलंधर वासियों वास्ते किते खड़न नूं भी जगह नहीं कि इन्ना आपां जिहड़ी संगत है इन्ना रश है। कबीर महाराज जी पंजाब और अपना देश गुरुआं पीरां दी धरती है। जात पात च जात पात दे बहुत खिलाफ सीगे और मैं दसना चाहुंदा तुहानूं इस जरिए अज महाराज दे प्रकाश उत्सव दे उत्ते कि पूरे देश दे अंदर इको इक पार्टी है, पूरे देश दे अंदर इको इक नेता है श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जिहड़े हमेशा ही जात पात दे धर्म तों उपर उठ के गल करदे आ। और एज साडा जो भी 2022 दे अंदर जिहड़ी सीगी जदों साडी जित प्राप्त होई तां जे असीं सहूलत दे रहे और सारे वर्गां नूं नाल लैके चल रहे हां। सो अज दे इस पवित्र दिहाड़े दे उत्ते साडे मैंबर पार्लीमेंट शशि रिंकू जी, भगत जी, भैन जी राजविंदर जी, अमर जी चेयरमैन साहब और बाकी सारे सर साथी हाज़र होए, इन्हां दा वी धन्नवाद वेलकम। सारे आपां परिवार दे तौर ते इकट्ठे होए हां और मैनूं बड़ी खुशी होई है कि सारे असीं पुरानी साडी इन्हां नाल एसोसीएशन है। और कई देर तो रिंकू जी का मैनूं फोन आ रहा सी, तुसीं भाजी कित्थे गा गए, कित्थे गा गए, जो जाने कि इन्ना प्यार सारे परिवारों के नाल कि अज असी इस पवित्र दिहाड़े ते सारे इकट्ठे हुए, बड़े खुशी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि संगत ने जिमनी चोण के एक एक वोट पा के साहब भगवंत सिंह मान सीएम पंजाब के हाथ मजबूत किए और जिहड़ा इन्हों पार्लीमेंट के अंदर भेजा वो सारी संगत का भी इस पवित्र दिहाड़े से धन्यवाद करते हैं और सारे मुबारकबाद दें। और अज के दिन से आपां एक शिक्षा लेनी चाहिए है कि हमेशा ही पंजाब के अंदर और देश के अंदर जिहड़ा हमेशा ही जात पात उपर उठ के गल करनी चाहिए है और सुख शांति अपील करनी चाहिए है कि महाराज कृपा करे सारे परिवारों से सारे दिए जिया के उत्ते पंजाब वासियों के साहब भगवंत सिंह मान के किए हुए कामों का प्रभाव जो चल रहा है मेहर भरिया हाथ आवे और चढ़ती कला रहन और सीएम साहब की लंबी उम्र होवे। धन्यवाद। सतगुरु कबीर महाराज जी के 625वें आगमन दिहाड़े से मैं सारी संगत को बहुत बहुत मुबारकबाद देना जिन्हां ने भगती काल की शुरुआत की और उस वेले जिहड़ी दुनिया वहमां भरमां दे विच अंधकार दे विच सी उस पूरी दुनिया नूं उन्हां ने भगती मार्ग का रस्ता दिखाया और लोगों नूं उस सच्ची बाणी प्रभु की जिहड़ी बाणी है रब की जिहड़ी बाणी है उन्हां दे नाल उन्हां ने जोड़िया और अज असीं उन्हां दा 625वां आगमन पर्व है जिहड़े बड़े चावां और श्रद्धा दे नाल मना रहे हैं और खास करके उचेचे तौर दे उत्ते अज साडे पंजाब सरकार दे कैबिनेट मिनिस्टर सरदार बलकार सिंह जी उचेचे तौर दे उत्ते जिहड़ी जलंधर दे विच्चों मेन जिहड़ी शोभा यात्रा निकलदी है उहदी शुरुआत करन दे लई अज आए है। उन्हां दे नाल उन्हां दे धर्म पत्नी साडे भैन जी बहुत ही सत्कारयोग और साडे भैन जी राजविंदर कौर थियाड़ा जी, अमृत जी, साडे जिला प्रधान मेरे वीर सोढ़ी जी, मेरे वीर दिनेश काली जी, सारे साथी अज इस पवित्र स्थान के उत्ते आशीर्वाद लैन दी आए है
सो मैं अपने वालों भी और अपने सारे परिवार वालों समुची संगत को प्रबंधकों बहुत बहुत मुबारकबाद देना और गुरु महाराज चरणों में अरदास करता कि असं इस तरह रल मिल के उन्होंने जिहड़े खुशियां दे जिहड़े दिन है असं रल मिल के मनाते रहिए। सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। सतगुरु कबीर महाराज जी दे 625वें पवित्र जन्म दिहाड़े ते मैं पूरी साध संगत को लख लख बधाई दिनी हाँ। जिवें उन्होंने एक अपना उपदेश दिता बाणी दे जरिए कि सानू सारी पूरी संगत नू सानू उस उपदेश ते चलना चाहिदा, उन्होंने उपदेश की पालना करनी चाहिए आ। मैं कबीर महाराज जी अगे ये अरदास करती हाँ कि जो पंजाब नू साडे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी नू जिम्मेवारी दिती आ, उन्हां दे जतना सदका उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल जो पंजाब दी रहनमाई कर रहे आ साडे एम पी राज्यसभा दे मैंबर जिहड़े साडे इत्थों जलंधर तों साडे लोकसभा दे जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट सुशील कुमार रिंकू जी, साडे कैबिनेट मिनिस्टर साडे बलकार सिंह जी, उन्हां दे नाल जिन्नी भी साडी पूरी आम आदमी पार्टी जिथे टीम आई आ, सतगुरु कबीर महाराज जी अगे अरदास करदे आ कि अपना आशीर्वाद हमेशा इस टीम ते रखिए रखो, हमेशा साडे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ते रखियो कि जो पंजाब दी सेवा सानू मिली आ वो असी अपनी इमानदारी दे नाल कर सकीए। सो मैं एक बार फिर तो गुरु सतगुरु कबीर महाराज जी के जन्मदिन की पूरी साध संगत को अज शोभा यात्रा से पूरी बधाई दिनी हाँ। तो मैं ये अरदास भी करती हाँ कि महाराज आशीर्वाद अपना इदा ही साढ़े सिर पर रखा। सतगुरु कबीर साहब जी के 625वें साल जन्मदिन के उपर सारे ही संगतों को मैं लख लख बधाई दिंदा हाँ। अज साडे सारिआं वास्ते ही सारे देश में जिथे जिथे भी कबीर साहब के पैरोकार रहिंदे हन बड़े चावां दे नाल अज दा जन्मदिन मनाए हन मना रहे हैं और आज दे शुभ दिहाड़े दे उपर साडे बहुत सत्कारयोग मैंबर पार्लीमेंट जिन्हां नूं गुरु साहिबान ने हुणे हुणे उन्हां दे उपर आशीर्वाद दित्ता है मैंबर पार्लीमेंट बन के अज आए हैं, उस दे नाल ही साडे बहुत सत्कारयोग बहुत ही काबिल अफसर और पंजाब सरकार विच जो हुण मिनिस्टर हैं लोकल बॉडी मेरे वीर सरदार बलकार सिंह जी, उनके नाल साडे भैन जी और खास करके साडे आम आदमी पार्टी के संगठन के विच चेयरमैन साडे भैन जी राजविंदर कौर थियारा जी और जिन्हें भी साथी ढाल साहब मैं देख रहा बहुत सारे साथी अज मेरे वीर चेयरमैन साडे अमृतपाल सिंह जी भी आए ने, जिन्हें भी साथी आए ने मैं सारे धन्यवाद भी करना और नाल कोटि कोटि नमन करना कोटि कोटि बधाई दिंदा हाँ। जय कबीर धन कबीर। इससे पहले रात्रि के समय भक्तों द्वारा जागो भी निकाली गई, इस अवसर पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। सतगुरु कबीर महाराज की। सारे ही देश में सतगुरु कबीर साहब जी का 625वां जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, उसके तहत अब भार्गव नगर हर साल की तरह गोकुल शम्मी उनकी सारी प्रबंधक कमेटी वालों अब जागो कढ़ी जा रही है जिदे में सारे ही इलाके के पतवंते साथी मेरे वीर पहलवान जी उनके नाल मेरे अज आए हुए स्पैशल तौर के उपर मेरे वीर अरुण संधल जी, उनके नाल मेरे वीर रजेश जी बब्बल जी और सारे साथी जिन्हें मेरे नाल आए ने नितिन भगत जी और सारे मातावां भैन। अज साडे सारे वास्ते बहुत खुशी का दिन है कि असी बहुत हम हमा के जन्मदिन तो पहले जागो कढ रहे हाँ। जय भीम जय भारत। जिदा कि सारा ही संसार जानता वा कि सतगुरु कबीर महाराज का 625वां प्रगट दिवस जिथे पूरे ही समाज के बहुत ही पूरे ही संसार के बड़िया ही खुशियां के नाल चावों के नाल बहुत ही धूमधाम नाल मनाया जाता वा। उस उपलक्ष्य के अज साडे छोटे वीर गोकुल भगत साहिल भगत इन्हां दी समुची टीम ने
अज जी जागो का प्रोग्राम संत नगर भार्गव नगर किया वा जिस साडे मुख मेहमान आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर महेंद्र भगत जी उन्होंने ना राजेश भगत जी बब्बल भगत जी साडे पहलवान जी तो होर साडे बलवंत बाला जी तो होर कई साडे वीर साडे आगू इत्थे अस जागो दे विच शिरकत कर रहे हैं। श्री गुरु कबीर महाराज जी का 625वां प्रकाश दिहाड़ा बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। साडे वड्डे भाजी भगत टाइगर फोर्स के अरुण संदल जी साडे छोटा वीर मेरा गोकुल भगत इन्हां दी कारनुमाई करके अज आपां बड़ी धूमधाम नाल जागो भगत कबीर महाराज जी की कढ रहे हैं और आपां सारिआं नूं अपने पूरे कैंप नूं पूरे पंजाब नूं आपां पूरे इंडिया नूं बहुत ही वधाई दिंदे हां कि श्री गुरु भगत कबीर जी महाराज जी का जन्म दिहाड़ा। बोलिए श्री सतगुरु कबीर महाराज की जय। सारिआं नूं सारिआं समूह संगतां नूं देशां विदेशां दे विच बैठिआं समूह संगतां नूं जय कबीर धन कबीर। इस उपलब्ध दे विच 625वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा जो कि मेन भार्गव कैंप दे विचों मुख मंदिर तों कल तों निकलेगा। अज उस उपलक्ष्य दे विच जागो कढ़ी जा रही है जो कि मेरा वीर गोकुल दे घरों शुरू हो रही है इन्हां दे नाल साडे सहयोग है। घलूघारा दिवस के मद्देनज़र अमृतसर देहात पुलिस ने जंडियाला गुरु के नज़दीक बाबा बकाला साहिब के डीएसपी हरकिशन सिंह की अगुवाई में पुलिस थाना ब्यास थाना खिलचियां और पीसीआर टीमों द्वारा रैया ब्यास बाबा बकाला साहिब बुताला सठियाला इत्यादि इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर डीएसपी हरी किशन सिंह ने कहा कि 6 जून को मनाए जा रहे घलूघारा दिवस के संबंध में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। वहीं उन्होंने लोगों से भी पुलिस का सहयोग करने की अपील की। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। एक घलूघारा हफ्ता है असी जरा फ्लैग मार्च कर सुचेत किया कि जी पुलिस है वो थोड़ी हिफाजत वचनबद्ध है तो थानू किसी तरह का डर की लड़ नहीं है। बिल्कुल शांति है, पंजाब की शांति है। पंजाब के अंदर आए दिन शराब ठेकेदारों की ओर से गैर कानूनी तरीके से नाके लगाकर आम राहगीरों को तंग परेशान किया जाता है। हद तो उस समय हो गई जब शराब ठेकेदारों द्वारा ऑस्ट्रेलिया से आ रहे एनआरआई की कार पर ही हमला कर दिया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया से आ रहे तीनों लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार चालक हर्षदीप सिंह ने बताया कि गुरविंदर सिंह नाम का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से अपने परिवार के साथ कार से डेढ़बा के गांव ढंडोली आ रहा था और उसने कार किराए पर ली हुई थी। डेढ़बा के नज़दीक रास्ते में रात के समय शराब ठेकेदार के आदमियों ने एनआरआई की कार घेरनी चाही लेकिन उसने कार भगा ली। लेकिन लोग फिर भी कार का पीछा करते हुए उनके पीछे आ गए और कार को घेर कर कार के शीशे तोड़ दिए जिस कारण कार में बैठा एनआरआई गुरविंदर सिंह और उसकी पत्नी दहल गए जो कि अभी भी बीमार हैं। उन्होंने बताया कि ठेकेदार के साथ घटना वाली जगह पर ना तो कोई पुलिस कर्मचारी मौजूद था और ना ही एक्साइज विभाग का कर्मचारी, इसीलिए उन्होंने मांग की है कि लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जब इस संबंध में ठेकेदार गुरचेतन सिंह जनाल के साथ बात करके उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कोई भी जवाब देना सही नहीं समझा। तो वहीं डेढ़बा के एसएचओ संदीप सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि एनआरआई और कार चालक हर्षदीप सिंह का बयान दर्ज करके एक व्यक्ति को नामजद और 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जा रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। नाम है हर्षदीप सिंह है जी मेरा नाम। की काम कर रहे हो? मैं ये वैसे पायलट्स कर रहे हैं। मैं इत्थे अपने यार मित्र दे फैमिली वालों नु लेन आया सी बाहरों रात नु आ रहा सी। केडी गड्डी? कित्थों बंदे आए सी? ऑस्ट्रेलिया तो मेलबर्न तो आए ने जी। डिजायर गड्डी सी पटियाला नंबर दी ते मैं इन्हां नु टंडोली कला पिंड छड्डन जा रहे सी डिड़बे दे कोल। घट तो घट 5 जने सी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
मैं दूरों गड्डी देख के मैं ब्रेक लगाई, मैं देखा जो मैं गड्डी हौली हौली बैक की, इन्होंने गड्डी लिया के मेरे गड़ी नूं कीती अगे, मैं इन्होंने गड़ा रोक लिया, मूहरे मारी गड्डी आके फिर बंपर दे विच, ते इन्हां दा एक बंदा पिछली टाकी उतर के गड्डी दे कहाड़ियां मारियां ने, फिर मैं उत्थों आपदी जान बचाण दे उन्हें गड्डी भजाई है। असी पिंड च किसे दे घर पहुँच के आपदी जान बचाई है जी, उत्थे आए ने इह बाद चों, ते कहिंदे अपना गड्डी दे विच दारू ए ऐ फलाणा, जो इन्हां ने गड्डी चैक कीता, गड्डी दा पिछा कीता जी इन्हां ने बहुत। किन्ने बंदे सीगे तुसी गड्डी दे विच? असी तिन्न जणे सी। दारू नाल पूरे नशे दे विच सी। की लगदा किस नीयत नाल जिहड़ा इह बंदे तुहाडे मगर चले गए? इह लुट मारदी सी जी, लुट खो के इन्हां दा कुछ कर दांगे। कल इक गुरविंदर सिंह हैगे ने टंडोली कलां तों ने, जो आस्ट्रेलिया दे पीआर ने, उन्होंने गड्डी किराए से की हुई थी, हर्षदीप सिंह पुत्र गुरध्यान सिंह वासी वार्ड नंबर 13 अफसर कलोनी समाणा, जो रात चंडीगढ़ तो वापस आ रहे थे, जो तो वो पिंड जनाल तरनोली कला रात करीब वक्त 1 बजे पहुंचे, तब उन्होंने सामने एक गड्डी देखी थी बलैरो पिकअप, वो गड्डी ने लाइटा लुटा दीतिया, इन्होंने गड्डी को लख्त देख के पिछे मोड़न लगे, उन्होंने पिछा किया, मोटरसाइकिल से एक उन्होंने को, उन्होंने अगे गड्डी घेर के इन्होंने गड्डी के शीशे से भी डंडे सोटी मारे, शीशा फुट गया सी, ते गड्डी का नुकसान होया, ते इस दे तहत असी कार्रवाई करते हुए एक बंदा बाय नेम गुरप्रीत सिंह, ते 4-5 नाम लोग व्यक्तियों के खिलाफ पर्चा बंदी कराते, हर्षदीप सिंह पुत्र गुरध्यान सिंह के बयान से पर्चा दर्ज हुआ। पाकिस्तान में शांति का उपदेश देकर जैन धर्म गुरु विजय धर्म दुरंदर सुरेश्वर जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अटारी वाघा सीमा सड़क रास्ते भारत लौटे। अटारी सीमा पहुंचने पर उनका स्वागत जैन धर्म से जुड़े सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया। उन्होंने अटारी सीमा से पहले ही यात्रा शुरू की। बैंड बाजे के साथ महिलाओं द्वारा सिर पर कलश रखकर ये यात्रा निकाली गई, जो कि जशन रिजॉर्ट में पहुंची। जैन गुरु ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के गुजरांवाला और लाहौर में प्राचीन मंदिरों की यात्रा से अवगत करवाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भजन गायन किया और गुरु जी को सम्मानित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जैन गुरु ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों का बहुत प्यार उन्हें मिल सकता था, पर पुलिस सुरक्षा के कारण वहां लोगों के पास नहीं जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पाकिस्तान की यात्रा का अनुभव कैसा रहा, यह सवाल पूछा गया है मेरे से। मैं सभी जनों के सामने स्वीकार करता हूं कि पाकिस्तान की यात्रा के विषय में आशंकाएं बहुत थी। किसी की भी किसी भी प्रकार की आशंका, खराब आशंका सच्ची साबित नहीं हुई। पाक में गुजरांवाला और लाहौर तीर्थ की यात्रा से हम बहुत आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, और पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान की प्रजा ने हमारे लिए सभी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था बहुत 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 जड़बे सलाख की थी, ये बात मैं कह सकता हूँ। पाकिस्तान की यात्रा का लक्ष्य क्या था? हाँ, या हमारा लक्ष्य, प्रश्न पूछा गया है कि आपका यात्रा का लक्ष्य कैसा रहा और लक्ष्य क्या था। मैं कहना चाहता हूं, हम मुनियों का लक्ष्य परमात्मा भक्ति और गुरु भक्ति दो ही थे, और दोनों कार्यों के लिए, परमात्मा भक्ति के लिए हमने लाहौर का मंदिर देखा, गुजरांवाला का मंदिर देखा, जिस किसी भी स्थिति में है उस स्थिति में देखा, और हमारा दूसरा लक्ष्य था लाहौर में गुरु चरणों को, गुरु चरणों का स्पर्श, और गुरु को जैन श्री संघ की ओर से धन्यवाद, खमत खामना, सबकी ओर से वंदना, सुख साता कहना, सबके लिए आशीर्वाद मांगना, सभी जीव राशि के लिए, सभी के विकास सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी, यही हमारा उद्देश्य था, अन्य कोई उद्देश्य नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ, पाकिस्तान की जनता से हमको बहुत प्यार मिल सकता था। देखिए, मैं उत्तर बिल्कुल सही सही दे रहा हूँ।
पाकिस्तान की जनता से हमको बहुत 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 प्यार मिल सकता था। वहाँ के लगभग लोगों ने हमारी सड़क पर चलते हुए भी जो वीडियोग्राफी की वो सचमुच में हमारे लिए बहुत मूल्य रखती है, परंतु पुलिस वाले और हम लोगों के बीच और प्रजा के बीच में जो सुरक्षा की व्यवस्था थी, इस कारण से न हम उनके पास जा सके न वे हमारे पास आ सके, मगर आंखों ही आंखों से उन्होंने हमको दिल ही दिलों में हमने उनको उन्होंने हमको बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत मोहब्बत दी और पाई। हाँ, हम पाकिस्तान में केवल एक ही मैसेज श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का, इक्का मानुष्य जाई। विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी पहले मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में ही परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, मनुष्य के रूप में ही वो हमको रखना चाहता है, मगर हम सच्चे अच्छे मनुष्य बन करके उसको दिखलाएं जिससे उसके द्वारा दिया गया यह मानव जीवन हम सार्थक कर पाएं और उसको भी प्रसन्न कर पाएं और उसको जाकर के मुंह दिखला सकें कि तुमने हमको मानव बना करके भेजा था, हम मानव बन करके रहे, इंसान बन करके रहे, हैवान या शैतान बन करके नहीं रहे, और सचमुच में हम यही चाहते हैं। कैसे संबंधों की आशा करते हैं भारत पाकिस्तान के, कैसे संबंध होने? देखिए, हम साधु महात्मा यह ही एक तो सबसे पहले हम साधु महात्माओं का कर्तव्य है, धर्म 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 और मानव धर्म, आत्मा के विकास का धर्म और वैसा धर्म का विकास हम सभी जीवों में सुख शांति आनंद वह चाहते हैं और इसी के लिए ही हमने वहाँ पर बातें की। पंजाब में नशों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बहुत जरूरी ही देंगे। हम आपको कहना चाहेंगे, जिस गुरु का जन्म हमारे पंजाब में हुआ, ऐसा गुरु विद्यानंद सूरी जिसका स्वर्गवास भी हमारे पंजाब में, क्योंकि पहले पाकिस्तान अलग देश नहीं था, पहले वह भारत का ही हिस्सा था और वह भी पंजाब प्रांत कहलाता था। किसी शहर और देश की पहचान वहां से जुड़े इतिहास और विरासत से होती है, लेकिन इसे विरासती शहर नाभा की बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि यहाँ की खंडर हो रही ऐतिहासिक इमारतों को संभालने की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इसीलिए शहरवासियों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि अगर समय रहते ऐतिहासिक विरासत को संभाला ना गया तो इस शहर के इतिहास का वजूद खत्म हो जाएगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। इत्थे जी 10-11 शाही परिवार रह चुके ने, ते शुरुआत वैसे ही जिहड़ी खानदान है ये फूल वंश नाल संबंधित है। महाराजा फूल जी नू 6वें पातशाही तो बचन होए सीगे, उन्होंने आशीर्वाद मिलिया सीगा कि थोड़ी खानदान तो, उन्होंने ये प्रश्न किया सी, कहिंदे गुरु साहब कहिंदे तोरे फिरदे अज तां भुख लगी आ, भुखे ढिड तोरे फिरदे अज ते जां मर गए भुखे, तां 6वें पातशाह ने वरदान दित्ता सी, कहिंदे महाराज तुसीं भुखे नहीं मरोगे, तुसीं तां होरां नू रोटियां दोगे, होरां नू भुख मिटाओगे तुसीं। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਫੂਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣੀਆਂ, ਜੀਂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ, ਇਹ 3 ਫੂਲ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਦੋਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੂਲ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾ ਜੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤ੍ਰਿਲੋਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਨੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਭੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਭੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1760 ਦੇ ਕਰੀਬ।
एक दो ग्रंथों के किताबों 59 भी लिखे कि 60 भी लिखे 65 भी लिखा हुआ मतलब कुछ इस 1755 भी कहें भी यदा इस नींह पत्थर रखा सगा लेकिन इस लेकिन जन इन रिटन है वह 1759 है 1759 के इसका नींह पत्थर इतने रखे गया इस गल चौधरी हमीर सिंह जी ने यह तीन पिंड की जगह सी जटा वाला बास पिंड नाभा पिंड लौरा ये तीन पिंड इकट्ठा करके तीन पिंड इतने नाभा शहर बसाया सीगा ते नाभा पिंड के नाँ पर उन्होंने इस नाँ सही रख्या ते नाभा ही यदा नाँ पिया नाभे पिंड के नाँ पर कोई अदला बदली चेंज नहीं उन्होंने की 1760 के निर्माण शुरू हो गया सीगा। होर किहड़े किहड़े राजा रहे ने इत्थे? इत्थे राजा रहे जी उन्होंने बाद जी चौधरी हमीर सिंह जी तो बाद राजा जसवंत सिंह जी ते उन्होंने बाद फिर रहे इत्थे दविंदर सिंह जी दविंदर सिंह तो बाद है राजा भरपूर सिंह जी राजा भरपूर सिंह दे कोई संतान नहीं सी ते इस करके उस तो बाद फिर उन्होंने जिहड़ी खानदान वंश परंपरा दे विचों ब्लड रिलेशन दे विचों महाराजा हीरा सिंह नूं बुलाया गया ते महाराजा हीरा सिंह नूं गद्दी दित्ती गई। महाराजा हीरा सिंह 1911 शहीद छड्ड गए ते फिर उन्होंने दे पुत्र महाराजा रिपुदमन सिंह नूं गद्दी दित्ती गई ते उन्हां तों बाद रिपुदमन सिंह ते महाराजा प्रताप सिंह इस गद्दी ते रहे। 1948 उन्होंने सारी रियासत ही भारत संघ नूं डोनेट करती सारी टोटली सारी सारी रियासत महाराजा अपने सरदार पटेल जी नूं अर्पण करती तो उस टाइम यह किला ठीक ठाक सी 1948 यह किला ठीक ठाक सी बिल्कुल सही सलामत सी कोई ये हो नहीं सीगा। तो उस तो बाद मशहूर है नाभे दे गद्दार नाभे दे गद्दारां ने इहनूं लुट्टिया खाधा पीता जिन्ना इहदा लकड़ां तक बेच के इन्हां दे दरवाजे बेचे लोहे तक बेचे सरिए कट कट के बेचे हुण तां इहनूं खंडर करता। जिम्मेवारी इहदे च जिहड़ी हुंदी है जी मौजूदा सरकार दी बनदी है क्योंकि जिहड़ा फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे स्टेट का वह जिहड़ा हुंदा आ जिहड़ी मौजूदा सरकार हुंदी है मौके की उहदे हत्थ च हुंदा है। इहनां नूं चाहीदा कि जिद्दां नाभे दा किला आ इह नाभा रियासत दा धुरा मन्निया जांदा सीगा नाभा किला ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਵੀਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਆਊਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। जैसे हम हर रोज़ खाना खाते हैं वैसे ही शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम और सैर करना ज़रूरी है। इसी के चलते फिरोजपुर की मॉल रोड पर हर रोज़ सैकड़ों की गिनती में लोग सुबह शाम सैर करते हुए और व्यायाम करते हुए दिखाई देते हैं। सैर करने वाले लोगों ने बताया कि सुबह सैर करने से ताज़ी ऑक्सीजन मिलती है और कई लोगों से आपस में मेलजोल और प्रेम बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को सुबह सैर करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा दें ताकि शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। सैर सबको जरूर करनी चाहिए, सैर जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी है। सुबह सैर करने से एक तो ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण बहुत अच्छा होता है, फ्रेश हवा मिलती है और जैसे डॉक्टर सभी को सैर करने के लिए कहते हैं कि सैर करो, जिसको भी कोई तकलीफ़ होती है जैसे शुगर वाले पेशेंट है वो उनको सैर जरूर करनी चाहिए, उससे उनकी शुगर ठीक रहती है। और मैं तो सभी से यही कहूँगा कि सुबह उठें और सैर करें और अपने शरीर की कसरत करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और बच्चों को भी प्रेरणा दें कि शरीर को स्वस्थ रखें, बच्चे भी सवेरे सैर पर आए। जैसे बच्चों की आजकल छुट्टी चल रही है और उनको भी चाहिए कि माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को सुबह उठाए सैर कराए। तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर अनुपम मोंटेसरी स्कूल बाग रामानंद अमृतसर के स्कूली बच्चों द्वारा नशे के विरोध में हाथों में नशा विरोधी संदेश की तख्तियां लेकर रैली की गई। ये रैली बाग रामानंद से शुरू होकर जलियांवाला बाग टाउन
हॉल से होती हुई गुजरी। रैली की शुरुआत प्रिंसिपल नेहा सरीन ने स्कूल के बाहर से बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए की। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर मनोज सरीन ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है, ताकि वे नशा छोड़ें, फिर चाहे उसे किसी भी रूप से सेवन किया जाता हो, क्योंकि नशा घर तबाह कर देता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असी वर्ल्ड नो टबैको डे दे मनान दे विच असी रैली कढ रहे हैं। बच्चियां तो बहुत उत्साह है, क्योंकि जदों पढ़दे ने लोग अपने एसएस वगैरह च या चिट्ठियां च या अखबारां च देखदे आ, तो इन्हां नूं भी बड़ा दुख हुंदा, डिस्कस करदे आ। छोटे छोटे ने, यह समझ नहीं पाते उन्हां दा दुख जिन्ने नशे दे विच बर्बाद हो रहे हैं। इन्हां ने मैनूं आइडिया दिता बच्चियां ने कि सर जी क्यों ना असी एक रैली कढ़ीए। तो मैं कहा बहुत अच्छा विचार है बच्चों तुहाडा, मैं शाबाशी दित्ती बच्चों नूं, ते इन्हां ने इह सारे बनाए है ते आपां रैली कढ रहे हां। सारा इधरों हो के जगह जगह जावांगे। साडा मैसेज है पंजाबियों नूं, क्योंकि असले सब तो ज़्यादा बदनाम पंजाब हो रहा नशे दे विच, और घर तबाह हो रहे हैं, नौजवान पीढ़ी तबाह हो रही है। तो असी मैसेज देना चाहते हैं सारिआं नूं इस रैली जरिए कि सानूं नशा त्यागना चाहिए। बड़े घर बर्बाद है, बड़ी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, तो नशा जरा कोल है ऐसा जरा समाज नु खत्म हो रहा है। हम सभी चाहते हैं कि नशा बंद कराया जाए, इसके कारण काफी बीमारियां हो रही हैं, जिससे काफी लोग की जान भी जा रही है। नशा बंद कराने के लिए पहले जो नशे के ठेके वगैरह हैं वो बंद कराने पड़ेंगे, जिनसे नशा ना हो। और हम सभी को कसम खानी चाहिए कि हम कभी नशा नहीं करेंगे। इस रैली का ये मतलब है कि जैसे आजकल नशे बहुत बढ़ रहे हैं, इसके कारण लोगों का सामाजिक जीवन, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, इसको बंद कर लेना चाहिए। और हमें सबको प्रेरणा, हमारी रैली का ये मोटिव है कि सबको प्रेरणा दें कि नशे बंद करें और हमारे साथ जुटे, ताकि हम ये पंजाब। धुरी में सिविल अस्पताल द्वारा अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से अच्छी सेहत और बीमारियों से दूर रहने के उद्देश्य के साथ साइकिल चलाकर कसरत करने के संदेश के साथ एक साइकिल रैली निकाली गई। इस संबंधी सिविल अस्पताल के डॉक्टर नारायण सिंह ने बताया कि उन्होंने शहर में एक साइकिल रैली निकाली है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि नशे छोड़े जाएं और अच्छी सेहत बनाई जाए। अगर हम लोग साइकिल चलाना, ताज़े फल, हरी सब्जियाँ खाने की आदत बनाएं तो तंदुरुस्त रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। इस साइकिल रैली में और भी लोगों ने हिस्सा लिया, जिन सभी का कहना है कि सभी को अच्छी सेहत के लिए साइकिल चलानी चाहिए, और इसी उद्देश्य को लेकर वे बाजार में निकल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाएं, अच्छा भोजन खाएं और नशों से दूर रहें। धुरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इसका मकसद लोगों को NPDCS जिहड़ा प्रोग्राम हैगा पंजाब सरकार दा, नैशनल कम्युनिकेबल डिजीज जिहड़ियां होंदे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उन्हां दे वास्ते अवेयर करना हैगा कि भी जिहड़ा आपदा जिवें हाइपरटेंशन जां डायबिटीज़ हुंदी हैगी, होर कैंसर मुताबिक जिहड़े हुंदे हैगे ने, और नशा छड़ाओ वास्ते भी जिवें हुणे वर्ल्ड टबैको डे गया हैगा 31 मई नूं, तां उस वास्ते आपां लोकां नूं शहर वासियां नूं अवेयर कर कीता जा रिहा हैगा कि वे आपदे चंगी सेहत बनाओ, साइकिल चलाओ, सारीआं सब्जियां खाओ, जंक फूड ना खाओ। इस मुताबिक ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਊਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਦੌੜੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ, ਤਲੇ ਛਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਤਟਵਾਸਨੀ ਪਰ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵਮੁਖੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਧਾਮ ਮੈਂ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਚਾਲੀਸਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਭਜਨੋਂ ਕੋ ਗਾਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਮਾਂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਵਹੀਂ ਮਾਤਾ ਕੀ ਚੌਕੀ ਮੈਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਬਲਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ, ਵਰਿਸ਼ਠ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਕੋਸ਼ਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਅਰੁਣ ਵਰਮਾ, ਰਮਨ
रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में एक बार फिर से हलचल की गतिविधियों पर नजर डालिए। जैमलवाला गांव के समीप मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 32 वर्षीय युवक की हुई मौत। पठानकोट रोड पर स्थित गांव बुलंदपुर में एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। अमृतसर देहात पुलिस ने घलूघारा दिवस के मद्देनजर विभिन्न इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहें हलचल।